जैसे ही हम अपना चैलेंज खत्म करके आए, अब मैं, निबी और मोहित तीनों एक साथ डेट पे जाने वाले थे और निबी को सिलेक्ट करना है वही एक लड़का जिसके साथ वो डॉर्म में बैठना चाहती हैं। इन केस मैं और निबी चले गए ना, मैं बन गया सीन मेरा। मैं पूछूं ओरेकल, बोल दिया ओरेकल ने हाँ, क्योंकि चांसेस पूरे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि निबी और मेरा जब तक सीन हो रहा है, ठीक है। मैंने सोचा कि अगर ये मैं करता हूँ तो क्या दिव्या को मैं और ज्यादा इनसिक्योर कर दूंगा। मन में तो ये आ रहा था कि प्रियांक एज माई लव कनेक्शन, ही विल नेवर लीव मी, बट आई वॉज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वो किसी और के साथ ओरेकल के सामने जाएं। मुझे लगा था कि यार चलिए दिस डेट गोना बी इजी बिकॉज़ सबको पता है ऋतु में कनेक्ट हो रहे हैं, बट जैसा मैंने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। आप कुछ लेना चाहेंगी? लाइक इन्होंने तो पूछा नहीं लेकिन मैं पूछना चाहूंगा। सी यू आर सो स्वीट बेबी, आई एम। खाना खिला के लाया हूं कुछ, इट्स क्यूट बट I don't like that statement. No, he is cute. आपके लिए और कुछ लेकर आऊँ? आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? सबसे अच्छी चीज़ होगी। मैंने आपको अपना 100% देने का प्रॉमिस किया टास्क में, तो क्या आप हमें ये चीज़ प्रॉमिस करते हो कि आप किसी भी तरह मुझे और अक्षता को कभी भी डंप नहीं होने दोगे? मैंने इसको तेरे को आज पहले ही बोला था, अगर तूने हमारी मदद करी है, हेल्प करी है एंड जेन्युइन वे में करी है, तो दिस इज माई गारंटी कि आपका नाम नहीं आएगा जिस लिमिट तक हम आपको सपोर्ट कर सकते। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, जस्ट चिल, रिलैक्स एंड बी हैप्पी अबाउट योर लव। ऋतु, आई वांट टू स्पेंड सम अलोन टाइम विद यू, सो विल यू अलाउ मी फॉर दैट? मुझे कभी भी उनके साथ डेट पे आना नहीं था, मैं तो सिर्फ वहां पे मजे करने के लिए आया था, तो मैं वहां से उठकर चला गया। नाउ एक प्यारे से म्यूजिक पे एक छोटा सा डांस मेरे साथ। I was happy, वो भी खुश थे, हम लोग इतना क्लोज आए, इतना क्लोज। For me that was a very special moment. तो एक chemistry, एक spark वो build up होता दिख रहा था, which I was liking. Nice, and I think red. That is my favorite color. I like red. I'm glad. Such me. I'm glad. I'm not joking. You guys had a good first date, right? Actually, we bond. Our connection काफी अच्छा हुआ था. हमारा bond बहुत अच्छा हुआ था. First date के बाद. That's true. I won't deny that. That's why मैंने आपका नाम लिखा था. Nibi. I know. कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज बार-बार चल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ना चाहते हुए भी प्रियांक मेरे साथ हर टास्क में है। हमारी पर्सनालिटीज बहुत ही ज्यादा मिल रही है, बहुत ही ज्यादा मैच कर रही है, तो ऐसे लग रहा था यू नो ऐसा भी हो सकता है कि प्रियांक मेरा आइडियल मैच है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू निबी, जो भी अभी हुआ है बिटवीन अस इन दीस टू डेज, व्हाटएवर इट वाज समथिंग यू नो, मे बी नॉट समथिंग वेरी स्ट्रांग, बट देयर इज समथिंग a little more than friendship, a little more than that basic friendship, yeah, which if we work on it together can take us forward. Yeah, Mohit ke sath mera bond acha hai, hamara connection hai, but jo ye bar bar coincidences hue ja rahe hain mere aur Priyank ke sath, wo bar bar mere man mein doubt dal ja raha tha. I'm very confused with what you, where you want to head abhi, tum kahan, where do you see yourself in the game abhi right now? Ha, main bol chuka, main Divya ke sath hu. And where do you want to head? See, before getting into anything, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि what are you guys here to convince me for? I'll be very straight and forward. Yeah, of course. मैं सीधा बात करूँगा अभी. बिल्कुल, बिल्कुल, go for it, please. मुझे आज आपके साथ Oracle में enter नहीं करना है. Okay, just be please, please be straight forward. मैं clearly ये चीज़ बता रहा हूँ. Okay. मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने सोचा भी नहीं कि यू नो उसके आगे पीछे जो इंस्टेंसेस हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, और वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी. Welcome back to the dome. Thank you. Thank you. So dates, बहुत ज़्यादा interesting हुई होंगी, right? Yes.
Main just. Vinny looking so happy, Nibhi. मेरी डेट जैसे नहीं थी बिकॉज मुझे लगा था कि दोनों बॉयज आएंगे एंड दे वुड ट्राई टू कन्विंस मी यू नो कि मुझे चूज करना आज बट प्रियांक वॉज वेरी क्लियर उन्होंने आते ही मुझे ये चीज कही कि प्लीज मुझे चूज मत करना आज व्हाई वुड यू टेल हर दैट जस्ट डोंट पिक मी जब हम लास्ट टाइम इधर थे तब मैंने यही रीजन दिया था मैं यहीं पे बैठा हुआ था कि इट्स माय थिंग टू मेक अ फील सिक्योर The girl wants that the guy supports her. So that was something very romantic for me. अब एक सीरियस सवाल। यहाँ पर छह लड़के हैं। छह में से सिर्फ तीन यहाँ पर रहेंगे। जो तीन यहाँ पर आएंगे, वो सेफ से अनसेफ हो जाएंगे। Your choices, Anmol. आज भी डेट पे रिपू के साथ मैंने काफी कनेक्ट किया सो आई विल बी कीपिंग हिम हियर एंड सेंडिंग हिम थैंक यू वेलकम बैक रितु सो आई विल बी चूजिंग माय कनेक्शन आकाश एंड सेंड हिम बैक टू हिज गर्ल Your choices, Nibhi? Priyank, I'd like to send you back to the unsafe zone. ऐसा करते हैं सबसे पहले प्लीज राइट दैट वन नेम जो अगर आप लोग आइडियल मैच निकले तो वो स्प्लिट्सविला 10 से बाहर जाएगा गो फॉर इट आप जितने भी स्प्लिट्सविला के लोग हैं जो अनसेफ हैं आप लोग वोट करेंगे इनमें से एक पेयर के लिए जो आगे नहीं जाएगा आज इन तीन में से एक को आप रेस में से निकाल देंगे थ्रू योर वोट्स ओके ईशा So I've voted against Anmol and Ripu. Haneet. Mohit and Nibhi. Akshita. मैंने रितु और आकाश के अगेंस्ट वोट किया पर्सनल है क्योंकि इधर आने से पहले रितु ने मुझे एक हिंट दिया था कि वो आज सिद्धार्थ का नाम लिखेंगे अगर वो डोम में जाते हैं आकाश ने मुझे हमारी डेट पे एज इट वॉज बोला था कि आई विल मेक श्योर कि आज मैं तुम्हारा नाम ना लिखूं बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड विद अस एंड आई थिंक इफ यू कॉल योर सेल्फ मिस्टर इंडिया यू शुड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स पहली बात आई एम मिस्टर इंडिया आई विल बी योर वर्ड्स डजंट मेक एनी डिफरेंस सेकंड तुम यहाँ पर अर्चित के पास आए और हनीत के पास आए कि आकाश को वोट मत करो ठीक है व्हाट डू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी लिसन Don't be a disgrace. I'm telling you, don't be one. Don't be a disgrace. Don't be a disgrace to the title. Don't be, just don't be. He performed for you. He performed for you. How can you guys take me for granted always? I mean, date pe bhi your attitude was like ki aapne mujhe bilkul for granted liya hai ki haan Siddhi to mere liye vote karegi. Kyun? You have to make it worth it. मैंने आपको बोला लास्ट में जाते हुए कि I will make it fair. Bro, you changing things. And I will make it fair. Don't change. Now it's high time कि आप अपने man of word बने. You should not have performed for someone like it. Okay, it's okay. We are wrong. You say we are wrong. Akshita. Oh my God. Akshita. Akshita, listen. आपने मुझसे कहा था मैं आपको वोट दूंगी हेलो डिड यू से दिस और नॉट यस किसी को भी नहीं बनता मुझ पे उंगली उठाने या इन पे उंगली उठाने फॉर द नेक्स्ट टाइम नेवर गो ऑन माय प्रोफेशन माय टाइटल इज माय प्राइड सो नेवर गो देयर सो मेक इट वर्थ इट तेरे को प्रूव नहीं कर रहा दुनिया को प्रूव करता हूं मैं तेरे लिए यहां पर आप ये मत कीजिए
आप ये मत कीजिए। I think हमें सबको मालूम है कि यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है। We don't need to tell that. Okay. Let's go. One, one, one. Archit. That's Ripu and Anmol. Siddharth. You deserve this. Thank you. Thank you. I think Akash, you deserve this. I think जो लड़का अपनी जबान का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मुझे तेरे लिए नहीं होना अपनी जबान का। Done. Done. नचिकेत। खुशी। रिपु एंड अनमोल। स्टेफी। माय वोट इज अगेंस्ट अनमोल एंड रिपु। बसी। आई थिंक शायद ये आइडियल कपल हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये आइडियल कपल बने और वहां सेफ बैठे। आकाश एंड ऋतु। 5-1-3। हैडी अलीशा एंड मोल एंड रिपु। नैना ऋतु एंड आकाश। प्रियांक आकाश एंड ऋतु। लास्ट दिव्या। सो मैंने अपना वोट आकाश और ऋतु के अगेंस्ट किया। 7-6-6-1 रिपु एंड अनमोल। विला ने ये डिसाइड किया कि आप आगे नहीं जाएंगे। यू स्टिल सेफ। मेरे को ये चीज बुरी लगी कि मुझे और अनमोल को चेक करने का मौका ही नहीं मिला कि हम आइडियल मैच है या नहीं। आकाश एंड रितु, मोहित एंड निबी, आप जानना चाहते हो हाउ आर यू गाइस गोना रीच राइट इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल, हाउ दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड। वेल, इट्स गोइंग टू बी मेड बाय द टू पीपल दैट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल। सो अनमोल एंड रिपु get to decide kaun oracle ke samne jayenge to see if they are the ideal match. hum log agar ideal match hai hame chuna almost impossible hone wala hai. mere ko aur ritu ko jana hai oracle ke samne because we want a test aur hame lagta hai ki shayad hum ideal match ho sakte hain. mujhe lagta hai ki ideal couple ho sakte hain तो हम आई थिंक हम चाहते नहीं कि अभी कोई आइडल कपल इतना स्ट्रॉन्ग मैच जाए वहां पर अभी। तो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी सेंडिंग निवेदिता एंड मोहित। मोहित सर वो हमें मौका ही नहीं दे रहे कि हम ओरेकल के सामने जाए और पता करे। आई मीन क्यों, जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड? मोहित एंड निबि, आप लोग ओरेकल के सामने जाएंगे to see if you are the ideal match. Akash aur Ritu apna cue card dikhayenge ek bari ki kaun bacha aaj. It's a dad. Oh, acha lagta hai na bahut सेफ जोन में होना किसी और की वजह से फिर उसका नाम लिखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। Oh my God. Now you see it. Oh, dude, perform. तूने परफॉर्म किया वो इधर तेरी वजह से। It is on. At least हमने ये साबित तो किया कि we are strong competitors to all of you. Let's have a face off. I dare you, bro. Strong. Let's have a face off. Double dare you. आज सुबह अगर तुम दोनों के साथ नहीं होते, वुडन हैव बीन, तुम लोग उधर बैठे हुए नहीं होते। भाई कोई और होता, हार जाते, हार जाते। अगर हार जाते ना वहाँ बैठे नहीं होते। Exactly, वहाँ खड़े होते। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एक मिनट, तू बोल रहा है ना तेरे को फर्क नहीं पड़ता है? सबके साथ सुन लो, नेक्स्ट टाइम को इसके साथ नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो फिर मैं बात करूंगा, ठीक है?
हारते ना तो यहाँ होते, वो बकवास नहीं करते। तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा यहाँ और यहाँ पर, मेरे को नहीं पड़ता। देख लियो अभी। अब तो देख। अब तेरे को ट्रायो की जरूरत होगी ना तो फिर हम बात करते हैं। आइयो अब। अगर आप आइडियल मैच होते तो ये जाते, अभी ये नहीं गए तो ये हाल है। Nibhi and Mohit, please reveal the name on the card. Arjit. Played well. Yeah. Played well, Mohit. I will explain. सारे लड़कों ने एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट तो डाला है मुझसे बात करने के लिए. आई थिंक सेम विद मोहित, बट इट्स ओनली यू दैट आई फील लाइक मेरा कनेक्शन सबसे कम रहा है. बॉस, तो तुमने कौन सा घंटा इनिशिएटिव ले लिया? एटलीस्ट आई डोंट टॉक शिट, एटलीस्ट मैं अपना मुंह तो नहीं चलाती हूँ, बकवास तो नहीं करती हूँ. अगर आप आइडियल मैच है तो अर्चित इज गोना गो. But if you're the ideal match, ये जितनी भी ये चीजें हो रही है ना, you'll be above all of this. Wanna find out? Yes. Let's go for it. Mission impossible. That's mission impossible. सबसे पहले तो congratulations अर्चित. Thank you sir. I want to know how Nibhi's feeling about this. Obviously थोड़ा बुरा तो लग रहा है. I honestly like there was some थोड़ी तो उम्मीद थी, there was an expectation, but it's too early so. But there is definitely 9 other guys for you. या तो आप वो बाकी की 3 लड़कियों में से हो जिनका आइडियल मैच नहीं है. सेम गोज फॉर यू मोहित. नो मैटर व्हाट हैपेंस बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट स्टॉप लुकिंग फॉर योर आइडियल मैच. ऑलराइट, के बाद जब हम लोग विला गए तो आकाश वॉज सो सैड. सिद्धार्थ कैसे बोल सकता है आकाश को कुछ भी उसके टाइटल के बारे में? यू रियली फील यू डोंट डिजर्व द टाइटल? यू डोंट क्राई, आई स्वेर आई विल गो एंड मेक इंडिया प्राउड दैट सिद्धार्थ राइट नाउ. ही इज नोबडी टू क्वेश्चन यू. नोबडी हैज एवर सेड सच थिंग. व्हाई आर यू क्राइंग रे तू? I understand. It's so difficult to go there. It is so difficult. उसकी औकात, उसकी personality, वो टिड्डा इतना छोटा सा लड़का. How can he say that? वो मुझे बाहर मिल जाए मैं उसको काट डालूँगी. I don't know. विला पे किसी ने किसी पे हाथ उठाया होगा या नहीं. मैंने तो उसको इतना मारना है ना, क्योंकि कोई मेरे बंदे को रुलाए और मैं देखूँगी. आकाश मेरे पास बीच में बात करने के लिए आया कि सिद्धार्थ तुम्हें मुझे मिस्टर इंडिया के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मुझे गाली देनी है गाली दे, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाना है उठा ले. डोंट से एनीथिंग अबाउट माय टाइटल बिकॉज़ आई हैव अर्नड इट एंड आई कैरी माय कंट्रीज नेम. आई कैन नॉट सी माय कंट्री गेट इंसल्टेड. सो रिस्पेक्टेड यार, तू मुझे नहीं बताएगा कैसे. मैं बोलता हूं कि उस चीज को रिस्पेक्ट करेगा. मेरा बी अ मैन ऑफ योर वर्ड एज आई हैड सेड. उसी टाइम पे प्रियांक और बसीर आ गए एंड लड़ाई जो है वो होते होते ही रुक गई. वहां पे हो या यहां पे हो, cuz if you're there then stick to that. I'll tell you one cuz no bro, this is no sailing in two boats right now. This is either you're here or there. कहीं ना कहीं वो खुद ग्रुप डिवाइड कर रहे थे और उनकी खुद कि अगर आकाश और ऋतु के पास मेजॉरिटी होगा तो ये हमारी. आकाश है भी मिस्टर इंडिया ना, हाइट ना शक्ल
जो खुद अंधेरी ईस्ट के स्टेशन की पटरी वाली कपड़े पहनती है लड़की, वो बोल रही है मेरे आउटफिट्स के बारे में। मेरा लेवल नहीं है लोगों के लेवल तक गिरने का। अब विला में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, जितने भी लोग थे उनके ट्रू कलर सामने आ रहे थे। वेलकम टू एमटीवी स्प्लिट्स विला 10। कल रात को जब हम आप लोगों को मिले थे लास्ट, हमें अंदाजा था कि बहुत लंबी रात होने वाली है। Was it? हाँ जी, लड़ाइयाँ, लड़ोइयाँ, डिस्कशन सब हो रही थी। उनको लगता है कि you know, you should choose sides. उनको किनको? मतलब दोनों ग्रुप्स को, जो भी कल जो। कौन है दो ग्रुप? सर एक ग्रुप में बसी, प्रियांक, रिपू एंड सिद्धार्थ एंड द अदर ग्रुप हैज द लेफ्ट पीपल। माडी तो या तो होता है या फिर नहीं होता है। हम दोनों का ना पहला रियलिटी शो नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग हमको समझ रहे हो। हाँ, कोई आता है हमारे रूम में, हमारी बात सुनता है, जाता फिर उधर जाके हीरो बन के उधर सब सारी इनसाइट दे देता है। इसलिए मैंने बोला कि मुंह पे बोला कि अगर इधर हो तो इधर रहो, तो उधर जा रहे हो तो उधर। समझ गए? खत्म हो गया। सर होता है यहाँ पे ये है कि अगर आप दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, आपको या तो वीक कंटेंडर बना दिया जाता है। लोगों ने यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग, वीक, सब कुछ बना लिया है। Even right now they mentioned, हम रोडीज करके आए हैं, हमें पता है, ठीक है आप करके आए हो, congratulations, you have experience, very good. Of course, thank you. But that does not mean that you always have to portray that and use it as a plus point कि हम ये करके आए हैं, हमें पता है। मैंने अगर बोल भी दिया तो कुछ गलत बोला? But हम यहाँ पे सब एक platform पे हैं, हम सब एक platform पे, हम equal हैं। ये लोग नहीं बोलते रोडीज का ये है, यही लोग बोलते हैं कि ये दोनों रोडीज से हैं। ओह माय गॉड, कितना झूठ बोलता है यार ये बस शेख। हर रोज यही बात झूठ बोल रहे हो आप। कल आपने खुद बोला कि मैं झूठ बोलूंगा यार। व्हाट उसने बोला? आज के डम मैन डम, आई एम नॉट डम, एवरीवन नोस आई एम नॉट डम, सो हु केयर्स। अरे यार तू सी चल कर, ठीक है बोलो। अब स्टेप पे तो तू मुंह बंद रखा कर, एक साइड होले पहले, हर जगह जाके जो इसको मुंह ना लगाए ना दूसरी टीम पे जाके बैठ जाती है। अगर वो शो करके आए हैं तो उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, they've earned it. बहुत अच्छी बात है आप रोडीज करके आए हो, बट आप हमसे ज्यादा अच्छे नहीं हो, आप हमसे ज्यादा दिमागदार नहीं हो। दूसरों को नीचा दिखाना इज नॉट अ राइट थिंग। कल पूरे ग्रुप में बैठकर उसके कपड़ों के बारे में दिया सेक, उसके कपड़ों के बारे में क्या बोल रहे हो? अगर इसके कपड़े अच्छे हैं, मैं अपने जमादार को ये कपड़े बना दूं तो वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा। डू यू इवन नो हाउ मच ही हैज गॉन थ्रू टू बी टू दैट टाइटल? Do you even know how much we have gone through the reality show? Do you even know? You can respect us. If you can respect him, you can respect us as well. Steffi, I'm bad. Listen. Guys, sit. Steffi, no, guys. Steffi, बकवास बंद कर। अरे यार जगह पे जाके बैठ जा। वो मिस्टर इंडिया कर रहे हैं इसको, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अकेले है क्या ये यहाँ पे? मैंने तुम्हारे बारे में, रोडीज के बारे में कुछ बोला? हाँ बोलो। So that doesn't mean that you disrespect our hard work. ठीक है. I respect everything. इसको भगाओ यार यहाँ से। अच्छा देखते कौन भगा सकता है? कुछ भी देखो, एग्जैक्टली भगाओ इसको यहाँ से, हम इसको निकाल देंगे, हम उसको निकाल देंगे। भाई गेम है, निकल जाएंगे, अगर जाना है तो मैं आज चली जाऊंगी। स्टेफी आप कपड़े के बात कर रहे थे, किसके कपड़े? दैट वाज आकाश, ही फेल्ट रियली बैड सो यार। क्यों? I don't know किसका आवाज था, चला रहे थे तो इन्होंने बोला कि किसके पास सिर्फ कपड़े अच्छे हैं, ऐसे में अपने जमादार को भी पहना दूं। No, मैंने ये भी नहीं बोला था। कपड़े अच्छे भी नहीं बोला था। नहीं पहली बात बता। It's on camera. अरे डूड कैमरे को सुन, मैंने नहीं बोला कि तेरे पास कपड़े अच्छे हैं। Let me complete first. अजीब कपड़े पहनता है। ठीक है, तुम्हारे अपने देख लो। बहुत अच्छे, दिन में मैं कम से कम ब्लैक ड्रेस तो नहीं पहन के आई ना, विद ब्लैक लिपस्टिक। Neither I go to somebody's clothes. Not somebody's character. Everybody is carrying their own personality. If she's wearing black, she's carrying her own personality. तो मुझे उस लेवल पे नहीं आना कि मैं किसी के कपड़े, कैरेक्टर या किसी पर्सनल चीज़ पे कमेंट करूँ। Right. उन्होंने कुछ बोला उस रूम से, something mean and you felt bad. मुझे इशू था कि आप किसी के प्रोफेशन के लिए कुछ गलत मत कहिए। That was my only problem and which is fine. उसने कहा। लोग जो आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं या आपके अपीयरेंस में, आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट एंड लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। सो इन रिगार्ड्स टू दैट, इट एक्चुअली डजंट मैटर। एग्जैक्टली, आपको मालूम है आप लाइफ में क्या करते हैं, आपको मालूम है आप किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। इफ यू हैव अ गुड हार्ट, यू आर क्लीन, व्हाटएवर इट इज, देन यू आर ओके। सो इट एक्चुअली डजंट मैटर। मैंने कहा मैं अपने
एक्शंस में अपनी सारी बातें बोलूंगा. जो मेरा रिवेंज है रात की चीज का, आई विल परफॉर्म एंड आई विल प्रूव इट. आई डोंट बिलीव इन स्पीकिंग. ऑलराइट, एक्साइटेड टू नो व्हाट द चैलेंज इज? यस सर. इस बेवॉच सेशन के लिए बॉयज यू हैव टू बी स्टैंडिंग अप. टर्न लेफ्ट. बाय बाय. लड़कियों को अकेले बिठा के रखा है, अब क्या उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कि वो खुश है नहीं है हमसे, यू नो वी हैड नो आइडिया अबाउट इट एक्चुअली. लेडीज, आपका पे वॉच एक्टिविटी का नाम है ख्याली पुलाव. ख्याली पुलाव. अब ये सुन के तो ख्याल आने ही लग गए और पुलाव भी पकने ही लग गया. ये खाने बनाने का है या बातें बनाने का है या किस चीज का है? आपको अपनी जो भी आपकी फैंटेसी है. फैंटेसी, ओके. उसको ड्रॉ आउट करना है. तो मेरे दिमाग चलने लगे कि कितनी सारी है मेरी, तो मैं कौन सा बनाऊँ, क्या बनाऊँ. फैंटेसी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप सरप्राइज हो जाओ. उसके बाद वो फैंटेसी क्या है, वो नीचे एक सीक्रेट ड्रॉअर है, उसके अंदर आपको लिखना भी है और उसके बाद उसको कवर कर देना. आई वॉज लाइक, एक तो मुझे ड्रॉइंग इतना आता नहीं है, ऊपर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो समझ नहीं पाएगा. रेडी, 3, 2, 1, गो. आई एम अ वेरी गुड पेंटर. आई हैड बीन अवॉर्डेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज राष्ट्रीय बालक अवार्ड. When you talk about wildest fantasy, वो ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको गाना गाना है. Something जो आप हमेशा से करना चाहते हो लेकिन आपको पता है that is next to impossible. अनमोल हमेशा हमें कहती है कि we have a group of 5 and she fantasize about us 5. और उसने वो actually एक sketch बनाया था 5 लड़कियों का. Really understood. दिव्या की पेंटिंग मुझे लग रहा कि लड़का बारिश में लड़की के ऊपर गिर गया था फिसल के. मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई थी कि प्रियांक को अच्छी तरह क्लू मिल सके. Very nice. Why is it a shark? It's a shark. It's not safe for you guys to be. इन पेंटिंग्स को ना 15 साल के बच्चे ने ड्रॉ किया है. इतनी फनी. 3, 2, 1, स्टॉप. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. हम सब लड़के वापस पहुंचते हैं और हमें रणविजय सर ब्रीफ करते हैं कि लड़कियों ने ड्राइंग्स बनाई हैं, अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसी डिस्क्राइब की है. आप लोगों को ये गेस करना है कि वो पर्टिकुलर जो फैंटेसी है वो क्या है और वो किसका फैंटेसी है. टू बी ऑनेस्ट, मैंने अब एक एक लड़की से तो बात ढंग से करी नहीं, और अगर बात करूंगा भी वो तो सबसे पहली चीज ये थोड़े पूछूंगा तेरी वाइल्ड फैंटेसी क्या है. जिन 4 लड़कों के स्कोर्स सबसे ज्यादा होंगे वो 4 लड़के ही अगले चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे. Your time starts now. जैसे ही मैंने बोर्ड्स पे देखा, मतलब ये कौन से सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों की ड्राइंग इस पे आ गई है, बच्चे कहाँ से आ गए स्प्लिट्सविला में. यार समझ ही नहीं आ रही इनकी गंदी ड्राइंग. बेसिकली चौक से बनाई हुई कुछ अजीब सी कारीगरी थी. किसी का कुछ है कि कहीं पेड़ हैं और कार के ऊपर 2 लड़के लड़की हैं, कोई किस कर रहा है पानी में, कोई बीच पे लेटा हुआ है. जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ थी जिस स्केच पे, वाज स्केच नंबर 6. व्हाट्स दिस? व्हाट इज दिस? एक झुंड बन चुका है नंबर 6 के पास. हम डिसाइड नहीं कर पा, असमंजस में फंस गए हैं लड़के नंबर 6 के पास. मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि अलीशा होगी, बिकॉज शी इज समवेयर इंक्लाइन टुवर्ड्स गर्ल्स, को लड़कियां अच्छी लगती हैं. आई मस्ट से आवर गाइस आर क्लूलेस. अब मैं 4th ईजल के पास जाता हूं.
उस ड्राइंग को देखकर मुझे लग रहा था कि शायद ये अक्षता का हो सकता है। 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. जब हम वापस वो बेवॉश सेशन में पहुंचे, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, अब लड़के क्या सोचने वाले हैं। यू नो, सब एकदम शर्म से लाल हो गए थे। We'll start with number one, which is Ritu. मैंने अपने कनेक्शन का सही गेस करा था बिल्कुल। सबसे जो अच्छे से ड्रॉ करा हुआ था वो एक्चुअली रितु ने ही बनाया था। A pop singer, your wildest fantasy is always about what you dream about, what you want to do. This is what I want. आपकी wildest fantasy एक ही, आप सिंगर बनना चाहते हो। बड़े हो जाओ थोड़े से, आप स्विट्जरलैंड में आए हुए हो, बच्चे नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने गेस किया होगा, लेकिन प्रियांक? मुझे लगा कि दिव्या फर्स्ट है। गुड, बिकॉज़ ऑफ़ द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। या मेबी द स्टेज। नाइस। आई डोंट नो वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कहाँ से सोचता है। सिंस आप में से कोई भी नहीं नंबर टू करेक्टली गेस किया था, आई वुड लाइक नंबर टू टू कम अप एंड शेयर विद अस योर ड्राइंग। ज़्यादातर मेरे लड़कों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था कि वो लोग समझे कि मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरे व्यूज क्या है। माइन वाज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, दैट्स माय वाइल्डेस्ट फैंटेसी। अलीशा मैडम ने टीवी बनाई हुई है, टीवी में एक एक्टर बनाई हुई है, अवार्ड मिल रहा है। मतलब सीरियसली आपको एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चाहिए वाइल्डेस्ट? यार कम ऑन, दिस वाज नॉट इवन लाइक ऑन माय माइंड। सॉरी बेबी। दिस नेक्स्ट वन नंबर 3, जिसने भी किया है प्लीज खड़े हो जाइए, कम नेक्स्ट टू योर। वाओ, तो मुझे एक चीज तो पक्की होगी, ये तेरी फैंटेसी फैंटेसी ही रह जाएगी, ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हर लड़की कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगी कि जिससे भी वो प्यार करती हो वो अपने नीज पे जाके उसका हाथ पकड़ के उसको प्रपोज करे। खुशी मैडम, आपकी पता है वाइल्डेस्ट फैंटेसी से ऐसा लगता है कि आपकी शादी के भी वादे हैं। बस ही थोड़ा अपसेट लग रहे हो। नंबर 3 आपने पहचान लिया था क्या है, पर आपने खुशी का नाम लिखा, किसका नाम लिखा था? मैं ना, मुझे गुस्सा तो आया कि तू मुझे जानते नहीं हो क्या, बट कहीं ना कहीं आई वाज लाइक इज दिस समथिंग दैट ही वांट्स। नंबर 4 में हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? सबके मुंह खुले हुए यार, सब लोग सोच रहे हैं भाई बंदी इतनी एडवेंचरस कैसे हो सकती है। ये माउंटेन्स है, आई एम अ ट्रेकर, दिस वाज फॉरेस्ट एंड दिस इज अ टेंट। क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? आई एम मेकिंग आउट। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि चलो ठीक है, मैंने अक्षता का नाम सही गेस किया है। कमिंग टू नंबर 5, यस सनी, क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? जंगल में पड़े हुए हैं बस दोनों, बैठे हुए हैं जंगल में, just looking at the sky, they're watching the sky. और वो दोनों half bunny half mousey, वो क्या कर रहे हैं? मतलब this person wants the animals to watch them. किससे लिखा है number 5? Wow, please come and explain. In the forest. But ये दोनों लोग touch नहीं कर रहे। They're exactly, they're lying down. वो बाद में करेंगे। I think वहाँ पर जितनी paintings थी सब के सब paintings थी। So मैंने cats draw किया क्योंकि I think Mary was supposed to know that I am obsessed with cats. Yeah. So I thought he'll get that. But I guessed it right. No, you didn't. You wrote खुशबू, खुशबू in the forest. मतलब ये तो वो वाली बात होगी, looking London, talking Tokyo. अजीब ही उसने एकदम आंसर दिया है। You've just written in the forest, not making out, nothing, कुछ नहीं लिखा। Ice hockey in the forest. तेरा इतना केस ले लिया गया कि मैं बता नहीं सकता। 6 के लिए अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। सिड ने लिखा है aggressive group.
है अग्रेसिव ग्रुप, ये कहां से आया? आराम से लेटे हुए हैं पांच लोग, आराम से। यार कौन है ये, कैसे लड़के, ये कहां से आते हैं, ये कहां से दिमाग लेकर आते हैं अपना? नचिकेत आपने क्या लिखा है इसमें? किटी पार्टी। भाई नचिकेत, आई डोंट थिंक आप कभी लाइफ में किटी पार्टी में गए होंगे, आई एम सॉरी, बट ये नहीं होता है किटी पार्टी में, आई कैन अश्योर यू। जिसने भी किया है प्लीज खड़े हो जाइए, कम नेक्स्ट टू योर। पहले तो मेरा तो मुंह ऐसे खुला था, लाइक व्हाट, दिस इज लाइक फाइव गर्ल्स एंड दिस इज द कबर्ड वेयर ऑल द स्टफ इज देयर एंड दिस इज वाइन इन ग्लास एंड गर्ल्स आर एवरीबडी वॉज लाइक कि यार ये क्या हुआ, हमारी विला की लड़कियों में क्या गड़बड़ है, मतलब हम लड़के तो बोरिया बिस्तर पकड़ के निकल जाते हैं, लड़कियां आपस में ही लगी हुई हैं। रिपु लकी गाय, तू भी ड्रॉ कर दे एक बंदा वहां पे ऐसे। सो ऑन द सेवन मैडी इज रिटन हैविंग अ बेबी। हैविंग अ बेबी, व्हाट, हैविंग अ बेबी, व्हाट द फक आर यू थिंकिंग? आज तो बैंड बज गई भाई। What I think is that this is a guy, it's a girl. The guy is thinking bed, the girl is thinking hearts, love. तूने क्या बोल दिया कि having a baby? सर ऐसा ही लग रहा है, इसमें एक बच्ची उठा रखी है हाथ में और क्या है? दारू और पिज़्ज़ा के साथ? रन भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा और मेरा भाई। Okay, let's just call the girl who's made this. Yeah, to explain. Steffi. So it was on the beach. Give me this one. Number 8. You know what? I like number 8. Mujhe number 8 acha laga, because the person who drew this might actually want this to happen one day. Nibby. Come on. I've drawn two people making out in the rain, on the beach, with handcuffs and blindfolded. I was quite confident ki Nivedita ki jo wildest fantasy hai wo yahi ho sakti hai. I've written, you know, ek hope tha ki nahi, mujhe pata hai Mohit ye cheez, he will guess it. Mohit definitely guessed the fantasy right. Yeah. But not the girl. The only person who's written both right, ki kisne banaya hai aur kya hai, there is one guy. Priyank, it's you. Like, tell me something new. बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, प्रियांक ने भेजता, प्रियांक ने भेजता। Oh, number 9. 7-8 बोर्ड हो गए और अब तक नैना का नाम नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार 9 ना आए, क्योंकि मैंने 9 में अटेम्प्ट ही नहीं किया था। आपके कनेक्शन ने कुछ भी ना नाम लिखा है ना डिस्क्राइब किया, उसको ये फालतू लगा। जाके 9 ही निकला एंड आई वाज सो एंबैरस्ड, देन आई वाज लाइक स्टेयरिंग एट मी राइट इनटू माय आईज एंड आई एम लाइक। पर यार इसका तो खुद ही बसीर चेक नहीं कर पाया, बसीर नहीं समझ पाया, तो हम क्या खास समझते? A car and a dinner date and then it's on the bonnet. अच्छा अच्छा, it's on the bonnet? Yeah, dinner date and bonnet. I have written that. Obviously number 10 जो एक लड़की बची है उन्हीं का है। प्रियांक, you must have guessed this one right at least. I actually got confused because this, I thought that Anmol has written a clue for Ribu ke liye, because wo salsa dancer hai and it's a salsa step. He got Nibby's right by the way. Run sir, bas aag to lagani hai unko, jab spice it up ho chuka hai mamla to apni matches lekar aa jate hain, wo aise halki si spark karte hain, wo aag lag jati hai. This is dancing and jis din yahan barish hui thi mujhe bahut acha lag raha tha aur maine Priyank ko kaha bhi tha ki bahut romantic weather hai. Agar wo sune na to मैंने सुना था अच्छे से। जानदार है ना यामा। हमने पहले डेट पे डांस भी किया था। Oh my God, who forgot that? सर भूल जाते हैं लोग सर। अंदर ही अंदर मैं सोचा था कि क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं ही मिला हूँ आपको। So, इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐसा था
जो सिर्फ मेरे और प्रियांक के बीच में था. Provoking me to get wild in rain while dancing. मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लगा दी थी कि वो मेरी ड्रॉइंग पहचान ले. गधे ने बिल्कुल नहीं समझा. सो इट वॉज वेरी अपसेटिंग. स्टूपिड. Ready for the result? जो लोग definitely top 4 में हैं वो है मोहित, नचिकेत, सिद्धार्थ. जिसके हाईएस्ट है दैट गाय इज आकाश. मैंने कहा भाई वेल डन वेल डन वेल डन. तो वहां सबके मुंह खुले रह गए कि भाई तुमने जिसकी कल वो आज जीता है यहां पर. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. अब बताओ मुझे कौन हटाएगा.